कोसल राजा के बारे में आप लोग सुने होंगे। कोसल कोस प्रसेंजित कोसल राजा कोसल राज्य का यानी कि उत्तर प्रदेश का मेन राजा था। वो इंडिया में राज्य था, अंग मगध काशी कोसल वज्र मल्ल चेतिय पंचाल कुरु वत्स अवंती सूरसेन गांधार काम्बोज 16 राज्य था ना। 16 राज्य में सबसे मेन 4 था, अंग राज्य मगध राज्य कोसल राज्य इसके बाद उदयनी राज्य। ये कोसल राज्य का मगध राज्य जानते हैं बिहार में, तो कोसल राज्य का मेन मालिक था कोसल राजा। कोसल राजा भगवान बुद्ध के पास जाके कई प्रकार की ज्ञान सुने और भगवान बुद्ध के शरण में गए। कोसल राजा अलग प्रकार के राजा है, कभी कभी ज्ञान भूल भी जाता है। एक बार क्या हो गया, कोसल राजा नगर यात्रा में जा रहे थे। नगर यात्रा करते समय कोसल राजा ने देखा, कोसल राजा नगर यात्रा करते समय सारे लोग क्या करते हैं, नगरवासी सभी लोग राजा को देखते हैं ना, क्यों देखते हैं, बहुत सारे लोग फूल चढ़ाते हैं, राजा सुंदर यात्रा में जा रहे हैं, आगे पीछे सिपाही लोग के सुंदर एक शोभा यात्रा जैसा है, राजा कहीं बाहर जाएंगे तो सभी लोग पसंद था। इसीलिए एक गरीब घर था, नया शादी किया हुआ एक लड़का लड़की दोनों भी ऊपर थल्ला में राजा को देख रहे थे। वो लड़की बहुत सुंदर थी, शादीशुदा है। राजा उस लड़की को देख लिया, देखते ही राजा का मन उस लड़की पर आसक्त हो गया। अभी राजा को कुछ पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे क्या कर रहे, राजा का चेहरा एकदम मुरझा गया। राजा बोलते वापस चलो महल में। फिर यात्रा पूर्ण होने तक नहीं गया, वापस सभी लोग लौट के महल में आ गया। आने के बाद क्या हुआ, मंत्री को बुलाया, मंत्री यहाँ जी महाराज तुम जानता है यात्रा हम बीच में रोक दिया क्यों। जी महाराज मैं जानता हूँ क्या कारण है। जिस समय आप उस सुंदर लड़की को देख लिया उसी समय से आपका चेहरा मुरझा गया। तुरंत आप कुछ दूर जाते ही यात्रा कैंसिल करके वापस महल में आ गया। मंत्री जाओ जाकर उस लड़की को लेके आओ, वो मेरा अपना रानी बनाना चाहती है। इसके बाद क्या हुआ, मंत्री खोज खाज के विस्तार डिटेल्स देख के आके बताए, महाराज उस लड़की पर जो कुछ आशा है छोड़ दीजिए। क्यों, कोई ज़रूरत नहीं महाराज, लड़की पे जितना इच्छा है प्यार है सब छोड़ दीजिए। क्या हो बताओ ना महाराज, वो शादीशुदा है। लेकिन किसी भगवान बुद्ध जी ने बताया किसी का मन में भी लोभ आ गया तो मन जल जाता है, राग आ गया तो मन जल जाता है, काम भोगों के प्रति इच्छा उत्पन्न हो गया तो मन जल जाता है, गुस्सा क्रोध आ गया तो मन जल जाता है, तथा मोह माया डर भय आ गया तो मन जल जाता है, अहंकार घमंड से भी मन जल जाता है। जल जाता है मतलब सोचिए कुछ सामान जल गया, जला हुआ चीज का स्वभाव क्या है, राख है, उसमें कोई सुंदरता अलंकार कुछ है उसमें नहीं है। ऐसा
यशवंत जी उसमें कोई सुंदरता नहीं है, सब जो कुछ है सब खत्म हो गया, पूरा काल हो जाता है। वैसे ही है मन में लोभ क्रोध काम भोगों के प्रति इच्छा और क्रोध गुस्सा नफरत मोह माया डर भय अहंकार घमंड इत्यादि गंदगी अगर मन में उत्पन्न हो गया तो मन जल जाता है। क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं है, हमेशा मन जो चाहता है वही निर्णय लेता है। जिस समय राजा ने उस लड़की को देख लिया, देखते ही राजा का मन जल गया, राग से जल गया, वासनाओं से जल गया। जलने के साथ साथ अब राजा को ये जरूरत नहीं वो लड़की शादीशुदा है या क्या है, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वो लड़की चाहिए। मंत्री को बताएं, मंत्री मुझे वो कोई जरूरत नहीं लड़की चाहिए। फिर बताए मंत्री ऐसे ही लड़की लेके आ गया तो मेरा बदनाम हो सकता है, इसीलिए मैं उपाय एक सोच लिया। उसका पति महल का राज्य सेवा के लिए बुलाओ पति को, फिर आएगा, आने का तो हम प्लान करके उसको खत्म कर देंगे। फिर पति मर गया तो विधवा है, फिर हम अपना रानी बनाएंगे उसको, तब कोई बदनाम भी नहीं है। फिर मंत्री जाकर बताया तुमको महाराज बुला रहे हैं, बताया मंत्री जी हम क्या गलती किया है, कुछ गलती हो गया पता नहीं, जाके पूछो महाराज से। महाराज के पास आके आ गया, दूर से नमन करके पूछो महाराज जी हम कुछ गलती किया है माफ़ कीजिएगा। नहीं नहीं तुम कल से मेरा महल का सेवा के लिए आना है, महाराज माफ़ कीजिए हम तो जो कुछ खमा के काटता है बहुत खुश है, हम लकड़ी काट के बेचते हैं शहर में, बहुत खुश हूँ महाराज, उससे ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं, हम और मेरा पत्नी दोनों खुश, कोई तकलीफ नहीं हम लोग। नहीं नहीं मैं इधर राज्य सेवा में आ गए तो कोई तुमको क्या टेंशन है, आराम से तुमको खमा सकता है, परिवार भी आराम से ले जा सकता है आगे, और तुम इस महल में काम करने के कारण तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा, मेरा आज्ञा है। जी महाराज ठीक है कल से मैं आऊँगा। तो रोज अभी ये आदमी सेवा में आ रहा है, आते समय एक दिन क्या क्या किया राजा इस आदमी को बताया, मुझे एक फूल है खड़फूल कहता है, खड़फूल वो रहता है नांगलोक में, नांगलोक कहाँ पे है समुद्र के अंदर है, महासमुद्र है ना, महासमुद्र के अंदर नांगलोक है, नागों का भवन, नाग मतलब ऐसा घूमने वाले सा नाग ने दिव्य नाग, दिव्य नागों का भवन नागलोक कहाँ पे है महासमुद्र के अंदर है। महासमुद्र की कहानी जानते हैं ना, अलग अलग प्रकार की, महासमुद्र विचित्र है, महासमुद्र में हर प्रकार की चीज, असुर रहता है, राक्षस रहता है, देवताओं भी रहता है और नाग भी रहता है, अलग अलग प्रकार की रत्न है, मानी है, महंगा महंगा चीज है, अलग अलग प्रकार की प्राणी है समुद्र में। अभी तक समुद्र के बारे में ज्यादा लोग ज्यादा चीज नहीं ढूंढ पाता है, क्यों, उतना खतरनाक समुद्र है, कोई ज्यादा खोज नहीं सकता है। कोई कोई जगह है बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते होंगे, बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई फ्लाइट जाएंगे तो फ्लाइट टर्न हो जाता है, अभी भी पूरा खींचा जाता है समुद्र में, नाव जाएगा तो चैन हो जाता है, पता है नाव को क्या हो गया, अंदर किसी को नहीं जा सकता है उधर बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, कोई नहीं जा सकता है, कोई आसमान से पक्षी भी नहीं जा सकता है, बहुत बड़ा बड़ा जहाज जाएगा तो, हवाई जहाज या पानी जहाज कोई भी जाएगा तो खींच लेता है, क्या होगा वहाँ होगा ना, वहाँ भी कुछ ना कुछ आश्चर्य कुछ अंदर होगा। तो उसी प्रकार समुद्र एक आश्चर्य जगह है, उस आश्चर्य समुद्र के अंदर ही नागों का भवन भी है, नागों का मेन भवन है।
तो उसी भवन में ये खाड़ू फूल है, दूसरा कहीं नहीं ये खाड़ू फूल। बताया और लाने के लिए बताया उजला रंग का मिट्टी, सुगंध मिट्टी, वो भी उजला रंग का जो एकदम मिट्टी है ना, जो शरीर में लगाता है नहाने के लिए, वैसा उजला रंग का सुगंध मिट्टी है, वो भी लाने के लिए बताया। उजला रंग का सुगंध मिट्टी कहाँ पे है? वो भी नागलोक में है। हम लोग गुरु बंती जी के साथ गए थे बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, पहाड़ी एक पहाड़ है, उसी के ऊपर भगवान बुद्ध की गुफा है। पहले भगवान बुद्ध की शिष्य लोग, भारतीय लोग रहते थे, भगवान बुद्ध की फोटो वगैरह चित्र है, सुंदर से दिखता नहीं पूरा मीटर गया, लेकिन चित्र देख सकते, पानी छोड़ थोड़ा मारने से। तो उसमें जाने के बाद बहुत सारी गुफा है, दिख रहा है बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गुफा। वो गुफा का मिट्टी भी उजल रंग का है, गुफा से हर एक गुफा से कम से कम हजार हजार गुफा है, छोटा छोटा इतना 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 फिर इतना 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 बड़ा बड़ा अलग अलग प्रकार की हजार हजार गुफा है। हर एक गुफा से चमेली का धमाका रहा है। फिर एक नाग हम देखा, हमने देखा बहुत बड़ा नागराज, वो शायद उन नागों का भवन होगा अभी, वैसा क्योंकि नागों जहाँ नाग रहता है वहाँ सुगंध रहता है। तो ये आदमी को बताए तुम ले के आओ जा करके क्या क्या खड़ फूल और सुगंध उजला मिट्टी। अभी निकल जाओ, अगर नहीं लाया तो तुमको सजा मिलेगा, राजा का आज्ञा है। हम शाम स्नान करने जा रहा है, स्नान करते समय हमको देना पड़ेगा, नहीं तो जानते हैं ना राजा का आज्ञा पालन नहीं करते क्या हो जाएगा। वो आदमी पूरा डर गया, मृत्यु का डर आ गया, दौड़ के घर गया, जाके बताया सुंदरी जल्दी कुछ खाना पैकिंग करके दे दो, स्वामी भात अभी तक चूल्हा पे रखा हुआ अभी तक पका नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ा समय है, वो जल्दी पैकिंग करके दे दो। आधा जो पका हुआ भात दे दिया, इसके बाद भात लेके ही पत्नी को बोलने का टाइम भी नहीं मिला, भात पैकिंग करके मिलते ही दौड़ गया। अरे ये खड़ू फूल और सुगंध उजला मिट्टी कहाँ मिल रहा है, ये तो नागलोक में मैंने सुना है। ऐसे जाते जाते समय एक भूखे आदमी मिल गया रास्ता पे, उस आदमी बहुत भूख से है, उसको अपना भात से आधा दे दिया। फिर ये इसको भूख लगा, खाने के लिए सोचा लेकिन खा सकता है, पूरा शरीर जल रहा है डर से, मृत्यु का डर से, पक्का मरने वाला, कैसे प्रसन्न मन से खा, एक दो बार खा लिया भी निगलता नहीं अच्छा से। फिर बाकी सब ले जाकर नदी, नदी था उसी नदी में डाल दिया मछली को, डाल के आसमान देख कर चिल्ला के बताया इस नदी में कोई ना कोई नागराज होंगे, ध्यान से सुनिए, देवताओं जरूर होंगे, मेरा वचन सुनिए, राजा मुझे आज्ञा दे दिया खड़ू फूल और सुगंध मिट्टी लाने के लिए, हे नागराज और देवताओं मैं आज भूखे आदमी को खाना दिया और मछली को भी भात दे दिया। मैंने सुना कोई आदमी को खाना दिया तो भगवान बुद्ध ने बताया हजारों हजार पुण्य मिलता है, मछली को 100 से ज्यादा पुण्य मिलता है, तो हम इतना पुण्य कमाया आज, तो ये सारे पुण्य आप लोगों को दे देंगे, लेकिन मुझे खड़ फूल और सुगंध मिट्टी ला के देना पड़ेगा, रो रो के चिल्ला के बताया। एक नागराज इस आदमी का बात सुन लिया, एक बूढ़ा आदमी का रूप लेकर के आदमी के पास आके बताया, तो ठीक है तुम मुझे वो सारे पुण्य दोगे,
हम तुमको खड़फूल और सुगंध मिट्टी ला के देंगे। अरे दादा, हम आपको पुण्य देंगे, जरूर देंगे। मेरा क्या तो पुण्य से आप आपके साथ मुलाकात हो गया। फिर वो दादा का रूप ले करके जो रहा है उस नागराज, उस आदमी को सुगंध फूल और उजला सुगंध मिट्टी ला के दे दिया। उस समय कौशल राजा ने सोचा, ये मनुष्य तो अलग अलग प्रकार के लोग है, बहुत खपटी माया है, कैसा है पता नहीं चलता है, किसी भी प्रकार से वो आदमी आ भी सकता है, आना असंभव है फिर भी शायद आ भी सकता है, इसलिए हम एक उपाय करेंगे। ऐसे करके मंत्री लोगों को बताए, तुम लोग आज सिपाही को बताए, आज तुम लोग पहले कुछ देर में गेट बंद कर दो, फिर मेरा आज्ञा के बिना कोई महल का गेट, मेन गेट नहीं खोलेगा। वो आदमी राजा नहाते समय टाइम पे आ गया, लेकिन मतलब नहीं, क्या हुआ, दरवाजा बंद है। पता है, ए दुर्टुपाल, द्वारपाल, सुनो, ध्यान से सुनो, मैं राजा का कार्य के लिए चले गए, जल्दी दरवाजा खोलो, ये राजा का इच्छा है, राजा का आज्ञा है। लेकिन द्वारपाल लोग दरवाजा नहीं खोला, तो सुगंध मिट्टी और खड़फूल दोनों गेट के पास रख के चिल्ला के शहर के लोगों को बोलने लगा, अरे शहर के लोग सुनो, नगरवासी सुनो, देखो हम राजा का आज्ञा पालन किया, थोड़ा नहीं, लेकिन अगर राजा मुझे दंड दिया तो बिना मतलब के दंड देता है। वो अकेले सोचने लगा बैठ के, अब हम क्या करेंगे। भगवान बुद्ध के शिष्य लोगों का दिल बहुत मुलायम है, पवित्र है, इसीलिए जहाँ उनके शिष्य लोग हैं वहाँ हम जाएंगे, कुछ ना कुछ शांति के लिए मिल जाएगा, और कोई शरण मेरे लिए अब नहीं है, घर में जाने का बेकार है, सीधा हम वहाँ जाएंगे। ऐसे करके वो एक मंदिर में चला गया। राजा को सिर्फ वो स्त्री ही याद आती है, वो लड़की ही याद आता है, राजा राग से पूरा जल रहा है। हाँ, कल सुबह उसको हम जान मार दूंगा। इसके बाद वो सुंदर लड़की कहाँ पे है, मेरे साथ है, मेरे महल में है, मेरे पास है, हम उसको रानी बना दूंगा। उस दिन रात राजा को अच्छा से नींद भी नहीं आया, राजा उधर इधर फलाटते सो रहा है, सो नींद नहीं आता है, क्यों, राग उत्पन्न हो गया मन में, नींद नहीं आता है, गंदगी मन में है तो किसको नींद आता है, नींद जल्दी नहीं आता है, जिसका मन में गंदगी नहीं है तो आग बंद करके थोड़ा देर जाना है, तुरंत नींद आ जाएगा, उठते समय आँख खोलते ही फिर नींद टूट जाएगा, जिसका मन पवित्र है। देखिए राजा का मन तो पूरा गंदा हो गया राग से, वासनाओं की विचारों से। राजा ऐसे इधर उधर होते रहते समय अलग प्रकार की डरावना आवाज आ गया, चार प्रकार की आवाज जोर से आ गया, दू शब्द आ गया, राजा पूरा डर गया, कुछ देर में स बोलने लगा, फिर और एक शब्द बोलने लगा न, और तो में सो आवाज आ गया, ऐसा दू दू स न सो, चार प्रकार की आवाज सुना दिया, बहुत डरावना है, दो दर्द दर्द डरावना की आवाज था। राजा का सब, वो लाड़ी की सब कुछ भूल गया, इतना डर गया, पूरा पसीना आ गया, आग बड़ा हो गया, पूरा राजा खांपने लगा, पूरा डरते डरते सोचने लगा, बाप रे बहुत भयंकर शब्द हैं, पूरा महल हिलने लगा उसी आवाज से, क्या है ये, कोई भूत होगा, कोई राक्षस होगा, राजा का राग वासनाओं की इच्छा पता नहीं कहाँ चरण हो गया।
जल्दी पुरोहित को बुलाया, बुला बता जल्दी पूरा देखो मेरा कुंडली देखो, पूरा ज्योतिष लोग बुलाओ, सब कुछ ठीक कर दो। बताए उन लोग, बताए पंडित लोग, महाराज बहुत भयानक समय आने वाला है, आपका नौ ग्रह गुस्सा हो गया, नौ ग्रह उसको क्या कहते हैं, नौ ग्रह नाराज हो गया है, आपको बहुत बड़ा आयराष्टक है, इससे बचना मुश्किल है, खतरा आपके लिए है महाराज। इसके बाद बताया पुण्यवान आचार्य जी, आपका वेद के अनुसार मुझे कोई शरण नहीं है। बताया ऐसे करके थोड़ा सोच के, महाराज हमारे वेद के अनुसार, वेद में वेद के अनुसार अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा तो दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं, इसके लिए है आपके इस प्रॉब्लम के अनुसार तारा नक्षत्र ज्योतिष सब हर जगह जो देखेंगे तो सबसे पता चलता है, एक सोल्व कर सकता है, एक प्रॉब्लम से प्रॉब्लम मिटा सकता है, उसके लिए आपको बहुत धन खर्च करना पड़ेगा, बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, इस यज्ञ को कहता है सर्वस्य यज्ञ, सर्वसो यज्ञ, सर्वसो यज्ञ मतलब सब कुछ सो सो काटना है, सो गो हाथी काटना है गर्दन, सो गो घोड़ा, सो गो बछड़ा, सो गो गाय, सो गो गधा, सो गो मुर्गा, सोगो बकरा, सोगो सूअर, सोगो बच्चा, बच्चा मतलब लड़का मानव, सोगो बच्ची, मार दिया तो हो जाएगा, तुरंत राजा निर्णय लिया जरूर करेंगे, बचना है। आप देखिए आजकल भी ऐसे होता है ना, बोलता है किसी के पास जाके देखिए हमको भी कुछ जो नहीं लगता है, हमको ये प्रॉब्लम, बोलता है आप ऐसा अंगूठा पहन लीजिए, आप ऐसा पत्थर पहन लीजिए, आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, अलग अलग प्रकार की बात बोलता है ना, सब उल्लू बन जाके तुरंत पहन लेता है, पहन के हाँ अभी ठीक हो जाएगा ऐसे सोचता है, ऐसी प्रकार की प्रॉब्लम है ये भी, उस समय के बाद अभी भी है ना समाज में, आप लोगों के घर में भी होगा, मम्मी पापा के प्रति इधर बांधा हुआ, इधर बांधा हुआ, इधर कमर में इधर उधर बांधा हुआ है, कभी को अलग अलग प्रकार की चीज़ बांधा हुआ, बेटी का शादी लेट हो रहा है तो उसको अलग चीज़ बांध देता, उसको अलग पूजा शुरू करने बताता है, जॉब नहीं लग गया तो उसको अलग अंगूठा पहनना, अलग अलग प्रकार की आस्था श्रद्धा इत्यादि चैनल देखेंगे तो उसमें अलग अलग चीज़ बोलता है, जंतर मंतर पहन लो सुरक्षा कवच करके, उसी प्रकार उस समय में भी इस समय के ही जैसा है, हमेशा मानव तो उल्लू बनते रहता है। तो राजा अपना मंत्रिमंडल को बुलाया, बुला के बचाया, बताया अभी तुम लोग देर नहीं करना है, तुम लोग का राजा हूं मैं, अगर मेरा जान बच गया तो देश बच जाएगा, इसीलिए हर एक चीज सो सो के तैयार करो। मंत्री लोग बताया महाराज सब तो तैयार है लेकिन बच्चा तैयार, सोगो बच्ची महाराज कैसे तैयार करें, पूरा हल्ला मच गया, सब रो रहा है, पूरे राज्य के लोग रो रहा है, कोई बात नहीं राजा कहाँ गया है, पकड़ लो सब सोगो बच्ची पूरा राज्य के हर जगह हल्ला मच गया, रो रहा है सब, राजा को सब कुछ भूल गया, अभी राजा का पूरा डर आ गया, राजा ऐसे लटका हुआ चेहरा से सोच के रहता है। उस समय राजा का एक पत्नी थी मल्लिका राजा के पास आया, आकर पूछा महाराज आप क्या एकदम चेहरा मुरझा गया जैसा, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत सारे जानवर आ रहा है हमारे मैदान में, क्या हो रहा है महाराज। अरे मल्लिका तुमको कुछ पता नहीं, मेरे खान के पास जहरीला चार सांपा के चिल्ला के गया, अभी हमको काटने का देर है, मर जाने वाला है हम, इतना आवाज जा गया पूरे महल नहीं पूरे आसमान खापने लगा, तुमको कुछ पता नहीं।
महाराज इतना आदमी लोग क्यों चिल्ला रहा है, इतना जानवर क्यों आ रहा है, इतना जानवर काटने वाले लोग क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है महाराज बताइए ना। मालिका मुझे बहुत बड़ा उसको क्या कहते हैं हिंदी में, संकट आ गया है। संकट राष्ट्र कहता है उसको, संकट आ गया है। नोग ग्रह क्या हो गया, नौ ग्रह गुस्सा हो गया, नौ ग्रह गुस्सा हो गया। उन लोगों को खुश कराने का एक उपाय है, महायज्ञ करना पड़ेगा, सर्वस्व यज्ञ करना पड़ेगा। मालिका देवी को बहुत दुख उत्पन्न हो गया। मालिका देवी तुरंत भगवान बुद्ध के पास गया, जाकर के सब कुछ बताया। देखिए भगवान बुद्ध जी, हमारे महाराज को ये पुरोहित लोग अंधविश्वास घुसा दिया, अंधविश्वास के चलते हमारा पूरा राजांग मतलब पूरा महल खून से भरने वाला है। भगवान बुद्ध जी सारे लोगों के प्रति दया करके जाइए, जाके सबको बचा लीजिए। भगवान बुद्ध जी कौशल राजा के पास गया, राजा नमन करके बताया, भगवान बुद्ध जी आप आया बहुत अच्छा है, क्या हुआ महाराज, भगवान पूरा डिटेल्स बताया। इसीलिए आवाज आ गया महाराज, भगवान बुद्ध जी इसीलिए हमको कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, सभी लोग बताए हमको पूरा, मेरा ज्योतिष सब चेक किया, कुंडली चेक किया, मेरा प्रॉब्लम होने वाला ही है, हमको सब मेरा जान खतरा खतरे में है, हमको बचने के लिए हम कर रहे हैं, सब खत्म होने के बाद हम बाकी राज्य से ले जाऊंगा। भगवान बुद्ध जी, भगवान बुद्ध बताए महाराज आपको चार प्रकार की आवाज आ गया, वो बात सत्य है, झूठ नहीं है। वो आवाज इतना डरावना है, भयंकर है, वो भी सत्य है, उसी आवाज से महल हिलने लगा, वो भी सत्य है। लेकिन महाराज आपके साथ वो आवाज के साथ कोई लेन देन नहीं है, आपके राज्य के लोगों के लिए भी कोई खतरा नहीं है, वो आवाज दूसरा चीज का आवाज है। तो महाराज वो क्या है, दूसरा मतलब हमको समझ में नहीं, कृपा करके बताइए। तब भगवान बुद्ध ने बताया बहुत पहले जब काश्यप भगवान बुद्ध जी थे उस समय वाराणसी में चार सेठ लोग थे, जवान लड़के लोग, उन लोगों का घर के लोग मामी पापा सब बूढ़ा होकर मरने के बाद सारे धन अरबों धन ये चार लड़का को मिल गया, चार परिवार हैं। तो इन लोग मिल के बातचीत करने लगा, अभी हमारे पास धन है, साली है, पैसा है, कोई चीज का कमी नहीं है, जमीन है, बंगला है, कि कोई चीज का कमी नहीं, हम लोग क्या करेंगे। एक लड़का ने बताया भगवान बुद्ध की जन्म हुआ है, भगवान बुद्ध हर जगह शांति संदेश फैला रहा है, हम लोग दान देंगे, पाप को त्याग करके पुण्य करेंगे, शील सुरक्षा करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, हम लोग भी खुशी से रहेंगे और दूसरों के उपकार करेंगे। इसका तो और एक आदमी बताया, अरे अरे पागल, तुमको पागल हो गया क्या, ये सारे धन में दूसरों को देने के लिए मिला है, हमारा माई बाप किसी ने कमाए धन, धन इतना सारे मांस है, दारू है, हम लोग खरीदेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, इतना सारा लड़कियां हैं, खरीद लेंगे, ऐश करेंगे। इसका तो और एक बात है, हाँ 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 तुमको तो पागल है, इतना सारे धन है तो पूरा ऐश कर सकता है, हम लोग कोई चीज का कमी हो जाएगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा, इसलिए पागलपना छोड़ दो। कोई भी जगह पे ज्यादा पाप मित्र है तो अच्छे लोग भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। बिगड़ने के बाद वो जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति पाप करता है ना, उसी पाप उसको मिल जाता है, दूसरों को नहीं। सोचिए आप लोग मेरे संगत में आकर के आप लोग बिगड़ गया, आप लोग पाप करने लगा मेरे चलते, आप लोग चोरी करने लगा, पाप करने लगा, गाली देने लगा, तो उसी पाप किसको उठाना पड़ेगा, हमको या आपको, आपको आप किया तो आपको उठाना पड़ेगा।
इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताए थे ना, गलत संगत में कभी नहीं लगना चाहिए। गलत संगत में जो कोई लग जाता है, कोई भी शांति से चैन से जी नहीं सकता है। अगर गलत संगत में आ गया तो किसी को सुधरने के लिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल जाता है, बहुत समय जाता है, कम से कम 5 महीने से ज्यादा जाते हैं किसी को सुधरने के लिए। सुधरा हुआ व्यक्ति को बिगड़ने के लिए 1 घंटा जाता है, 1 दिन जाता है, मैक्सिमम 2-3, 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं बिगड़ने के लिए। सुधरना बहुत मुश्किल चीज है, बिगड़ना आसान से होता है। तो वो अच्छा लड़का अभी इन लोग का बात मान ले, ठीक है हम लोग ऐसे करेंगे और क्या। इन लोग पूरा खर्च किया, इन लोग पूरा ऐश करने लगा, मांस जानवर काट काट के खाने लगा और लड़की के संगत करने लगा, पूरा धन खर्च करते उन लोग को उम्र खत्म हो रहा था। खत्म हो के उन लोग सीधा लोकुंभ नरक में चला गया। लोकुंभ नरक मतलब नहीं, उन लोग नरक में गया। नरक में जा करके भगवान बुद्ध जी बताए, महाराज अभी नरक में दूसरा भाग में है, दूसरा भाग का नाम है लोकुंभ। लोकुंभ, कुंभ मतलब पता है, कुंभार, कुंभ मतलब घड़ा, लो मतलब पूरा खोलने वाले पानी है, पूरा खोलने वाले थैल जैसा पानी है, उससे भरा हुआ घड़ा। घड़ा मतलब इतना नहीं, उसका विशालता कम से कम भारत जैसा होगा, इतना बड़ा है, उससे भी बड़ा होगा। भगवान बुद्ध जी बताया, काश्यप भगवान बुद्ध समय के साथ अभी तक उन लोकुंभ नरक में है। नीचे जाने के लिए उन लोग को 30,000 साल जाता है, ऊपर एक बार आने के लिए 30,000 साल जाता है, तिरछा एक बार जाने के लिए 30,000 जाता है, अंदर से इधर आने के 30,000 साल ऐसा उधर इधर उधर जाते जाते रहता है, पूरा शरीर फुला हुआ है। लेकिन मृत्यु होता है नरक में, कभी मृत्यु कभी नहीं होता है नरक में, क्योंकि पाप खत्म होने तक मृत्यु नहीं होता है। महाराज, लेकिन उन लोग, उन 4 लोगों कुछ बोलना चाहता था, इसलिए उन लोग मुंह ऊपर आने के साथ कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, एक अक्षर बोलते ही नीचे तुरंत चल जाता है, नहीं बोल पाता है। महाराज, उन लोगों को ये बोलना चाहता, पहला आप सुने दो शब्द, वो है दुजीवितं अजीविम है ये संतेन ददम है से विज्यमानेषु भोगेषु दीपं न कम अत्नु। वो बोलना चाहता था, हम लोग बहुत सारे चीज था दान देने के लिए, लेकिन हम लोग पुण्य नहीं किया, दुशील हो गया। दुशील मतलब हत्या किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, नशा किया, चुगली किया, गाली दिया और आलतू फालतू जीवन बिताया, दुशील जीवन बिताया, भोग संपत्ति से हम लोग फायदा नहीं उठाया। महाराज, आपको दूसरा शब्द क्या सुना? भगवान बुद्ध जी, स का मतलब है 60 वर्ष सहसानि परिपूर्णासि सब्बसु निरये पच्यमानानं कदा अन्तो भविष्यति। नरक में अभी जन्म लेकर के 60,000 साल बीत गया। जानते हैं नरक का 60,000 साल मतलब क्या है? नरक का 60,000 साल मतलब क्या है पता है? हाँ, इधर आके कुछ बाद में पूछ लेते हैं। मनुष्य लोक में 100 साल, नरक में 1 दिन होता है। मनुष्य लोक में 100 साल बीत जाता है ना, नरक में 1 दिन खत्म है। उसी प्रकार नरक में 30 दिन गए तो मनुष्य लोक कितना साल है? हाँ, उसी प्रकार नरक में 12 महीना 1 साल है, उसी प्रकार 60,000 बीत गया। बताया अभी तक नरक में जन्म लेकर के 60,000 चला गया, हे भगवान ये दुख कब खत्म होगा, ये दुख कब खत्म होगा, अभी खत्म होने का अंत दिखता नहीं है। इसका पूछे, महाराज आपको और क्या सुनाई दिया?
भगवान न शब्द उसको ये बोलना चाहता, न शब्द ना, नाति अंतो कुतो अंतो न अंतो पठिदिशति तदा हि पकतं पापं मम तुई हांच मारिसा। हे भगवान, हम जो पाप किया है, ये पाप का अंत, पाप का अभी दुख मिल रहा है, इस दुख का अंत मुझे दिखता नहीं है, ये पाप कब खत्म होगा मुझे पता भी नहीं चलता है, इतना लंबा समय तक मुझे दुख मिल रहा है, लगता है ये पाप का फल हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे बचने के लिए कुछ उपाय बता दीजिए। इसका पूछा महाराज, आपको और क्या सुनाई दिया? तथागत सो, हाँ वो चौथा वाला बोलना चाहता था, सो हम नून इतो गंत्वा योनिं लद्धान मानुसिं वदन्यु सील संपन्नो काहामि कुशलं बहुं। अगर हम यहाँ से बच के वापस मनुष्य जन्म में जन्म लिया लेंगे तो अगर मेरे पास कोई कुछ भी आकर के मांग लिया तुरंत हम दे देंगे, सीलवान हो जाएंगे, पाप कभी नहीं करेंगे। मैंने भगवान बुद्ध के शब्द सुना, जरूर हम भगवान बुद्ध के रास्ता पे जाएंगे, बहुत कुशल संपादन करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, इतना पुण्य करेंगे कोई सोच भी नहीं सकेगा। महाराज वो है उस चार शब्द का मतलब, वो चार लोगों का दुखी कहानी। महाराज उन लोग का दुख आज कल खत्म होने वाला नहीं है, और समय तक उन लोगों को दुख सहन करना पड़ेगा। राजा का पसीना आ गया सुनते ही, क्यों? राजा भी एक गलत चीज में फंस रहा था। इसके बाद राजा के मन में आ गया, अरे बाप रे, हम भी लड़की के चक्कर पे आ गया। भगवान बुद्ध महाराज बताए, भगवान बुद्ध जी आप तो मुझे सचमुच बचा लिया, कल रात इतना लंबा था, ये राग के कारण एक लड़की के चलते इतना लंबा था, कह नहीं सकता। उस समय वो आदमी भी था, वो लड़की का पति है ना, पति भी उस साइड में था, बहुत जनसंख्या लोग था भगवान बुद्ध के पास, राजा के पास, तो वो भी बोलने लगा, महाराज को कल रात पूरा लंबी रात था, वैसे ही मुझे भी उन नदी तक यात्रा मुझे लगा बहुत दूर है, लगता है 100,000 किलोमीटर दूर जैसा, 5,000 किलोमीटर जैसा हमको लगा। भगवान बुद्ध ने बताया, दीघा जागरतो रत्ति दीघा संतस्य योजना दीगो बालन संसारो सद्धम अविजानतं। बिना सोते हुए रहने वाले, नींद नहीं आता ना कभी कभी, ऐसे रहने वाले व्यक्ति को ये रात्रि बहुत लंबा होता है ना, खत्म नहीं होता है जल्दी रात। दीगन संतस्य योजना, थके हुए लोगों को 1 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, थके हुए लोग कभी कभी स्कूल से घर आने में थक गए, घर से आश्रम में आना थक गए, है ना, थके हुए लोग को बहुत लंबा दूर लग रहा है। दीगो बाल आना संसार, बाल मतलब पाप करने वाले लोगों को ये संसार की यात्रा बहुत लंबा है, जो सत्य धर्म प्राप्त नहीं करता है। आप समझ लीजिए संसार कितना खतरनाक है, एक छोटा मिस्टेक से हम लोग कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे साथ रहने वाले हमारे मित्र हम लोग गलत चीज में फंसा लेंगे तो कौन बच सकता है? आप लोग तो थोड़ा भी बच सकता है, लड़की लोग हैं, क्योंकि लड़की लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लड़कों लोग का क्या हाल हो जाएगा? भारत में लड़का लोग अगर बदमाश कोई गंदा मन वाले लड़का लोग के संगत में आकर के उन लोग जो कुछ आइडिया दिए तो मजबूर भी करना पड़ेगा, घर को भी पता नहीं चलेगा, दोस्तों को पता नहीं, गुरु लोग को पता नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, आराम से आप लोग खत्म हो जाएगा। सोचिए इसी प्रकार आप लोग भी उसी नरक में चल जाएगा, तो उसी प्रकार दुख सहन करना शुरू करेगा, तो आप लोग भी ठीक उसी तरह रो रोते रहेगा। पाप करने वाले लोग कभी भी
सुख नहीं भोग सकता है, एक फल भी नहीं। पाप करने वाले लोगों को एक फल भी चैन नहीं मिलता है। पाप करने वाले लोगों को कभी शांति से एक बूंदा नहीं जी सकता है। देखिए, एक लड़का बताया था ना, हम बुद्ध शासन आ गया, भगवान बुद्ध के समय आ गया, पुण्य करेंगे, दान देंगे, आइडिया दिया, लेकिन बाकी लोग टांग दिया है, ए छोड़ पागल हो गया क्या। आजकल लोग ऐसा कितना लोग होगा ना, कोई कोई लोग कहता होगा हम लोग गरीबों को मदद करेंगे, दूसरा लोग ठान लेगा होगा पागल हो गया क्या, इतना संपत्ति दूसरों को देने की, तुमको पागल है ऐसे कहेगा। इसीलिए वो फूल आया है, वो आदमी डर गया, ये भगवान बुद्ध की ये बात सुन के पूरा डर गया संसार के बारे में। तुरंत वो मंदिर में जा करके भगवान बुद्ध जी से चीवर लेकर के, चीवर पहन के अरहत्व को प्राप्त किया। राजा उस नवग्रह के बारे में बताने वाले पुरोहित लोगों के बारे में बहुत गुस्सा हो गया, उन लोगों को भगा दिया। इसके बाद राजा बाकी लोग से माफी मांग लिया, बच्चे लोग सब मुक्त किया, सारे जानवर मुक्त कर दिया। तो आप लोग भी याद रखिए, इससे अपना जीवन सीखने वाले बहुत चीज है। अगर सोचिए आप लोग को संडे स्कूल नहीं मिला तो ऐसा ज्ञान कब सुन पाएगा, कोई भी टीवी चैनल में, कोई भी जगह पे, कोई भी मंदिर में वर्तमान में ज्ञान सुनाई नहीं देता है। पूजा करो, विश्वास करो, मान्यता रखो, सिर्फ ये चीजें हैं। आप लोगों का पिछले जन्म का क्या, तो पुण्य की बात से संडे स्कूल मिला है, इसलिए आप लोग इस मौका से लाभ उठाइए, अपने माँ पिताजी को सेवा करिए, पुण्य करिए, संत लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करिए, गरीबों को दान दे दीजिए, मेहनत करके पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करके कुछ जो नौकरी पकड़ लेंगे तो पैसा आएगा, उसी पैसे से और पुण्य कर सकता है अपना जीवन का कल्याण के लिए, खुशी से जीवन बिता सकता है। और हमेशा आपके पास ऐसा हिम्मत होना चाहिए, ऐसा हिम्मत, अगर आपके आप भगवान बुद्ध की पुत्री हैं, आप लोग भगवान बुद्ध के पुत्र हैं, तो इसको आर्य श्राविका आर्य श्रावक कहता है, आर्य कहते हैं भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की पुत्र एवं पुत्री है, तो रीढ़ अपना कमर पीठ का रीढ़ सीधा होना चाहिए, झुकने वाला नहीं होना चाहिए। कैसे, हजारों लोग बोल दिया तो ये गलत काम करेंगे, उस पर बिना फंस के रहने का हिम्मत होना चाहिए। हजारों लोग कहेंगे तो हम लोग चलो चोरी करेंगे, बिना चोरी करके रहने का हिम्मत होना चाहिए, नहीं तो अभी लोग अभी तक आप लोग भगवान बुद्ध के रास्ता पे नहीं है, अभी तक आप लोग भगवान बुद्ध के पुत्र भी नहीं, आप लोग पुत्र भी नहीं है, पुत्र है तो हिम्मत होना चाहिए। कुछ भी गलत निर्णय लेने का आइडिया कोई दिया तो उसी आइडिया के अनुसार बिना काम के ग्रहण का हिम्मत आपके पास होना चाहिए, उससे आप बच सकते हैं। इसलिए हम भी आप लोगों का आशीर्वाद करते हैं, आप सभी लोगों को तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र रास्ता पे जा करके अपना मन शरीर वाणी पवित्र करके शांति से खुशी से रह के सारे लोगों के प्रति मैत्री करके कारुणिक दिल से जीवन बिता के आप सभी लोगों को उत्तम निर्वाण प्राप्त करने का भाग्य मिल जाए। पोस्ट करना है।